डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब जैसे कि हम ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है या उसकी डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो 6 स्टेजेस हमने देखा था कि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है उसी तरह प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल हो सकता है। और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं, ये आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है उसमें विपणनकर्ता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस लाइफ साइकिल को वो समझे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। साथ ही साथ वह अनेक निर्णय और कार्यों में इसका उपयोग कर सकता है। तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसके लिए विक्रय पूर्वानुमान में सुविधा हो सकती है। विपणनकर्ता उत्पाद जीवन चक्र के ज्ञान से यह अनुमान इजीली लगा सकता है कि कब किस उत्पाद का कितना विक्रय होने की संभावना है। वह उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था को समझकर भविष्य में होने वाले विक्रय की मात्रा में वृद्धि और यदि कमी हो रही है तो उस कमी का कारण सहित अनुमान लगा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंस हम ये ले सकते हैं कि इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में कैसे हेल्प कर रहा है ये? उत्पाद जीवन चक्र की अवधारणा विपणनकर्ता के उत्पादों के नियोजन से हो सकता है। उत्पाद की चक्र की कौन सी अवस्था चल रही है, नवीन उत्पादों के विकास करने और विद्यमान उत्पादों में सुधार करने हेतु आवश्यक नियोजन किया जा सकता है। मूल्य निर्धारण में सहायक हो सकता है। उत्पाद जीवन चक्र का ज्ञान विपणन प्रबंधकों को उत्पादकों का मूल्य निर्धारण करने में भी सहायता हो सकती है। और जीवन चक्र अवधारणा यह भी स्पष्ट करती है कि प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी स्टेज पर उत्पाद का मूल्य अधिक रखा जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज या डिक्लाइन स्टेज पर यह करना संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से इसका और एडवांटेज अगर हम देखें तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट कंट्रोलिंग ऑल्सो। उत्पाद नियंत्रण में भी यह सुविधा रखता है। जीवन चक्र की अवधारणा जानकारी के आधार पर विपणनकर्ता उत्पाद नियंत्रण भी आसानी से कर सकता है। किस उत्पाद में सुधार करना है, कब किस उत्पाद को बाजार से बाहर करना है और कब किस नए उत्पाद को बाजार में प्रेजेंट करना है आदि का निर्णय उत्पादों की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर ही हो सकता है। साथ ही साथ इट फैसिलिटेट्स प्रमोशनल डिसीजंस, संवर्धनात्मक निर्णयों में सहायक होता है। जैसे कि विज्ञापन है, सेल्स प्रमोशन है, विक्रयकर्ता है, पब्लिसिटी है, प्रचार प्रसार है, जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस है, तो सभी संवर्धनात्मक संसाधन में इनमें से किस संसाधन का प्रयोग कब करना है, किस रूप में करना है, किस सीमा तक करना है और किस इंटेंसिटी के साथ में करना है, यह उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था पर बहुत ही कुछ निर्भर करता है। तो उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा की समझ विपणनकर्ता को होना बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस और देखें तो हम प्रोलॉन्गिंग द प्रॉफिटेबल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल को भी बताता है ये, जीवन चक्र की लाभकारी अवस्था को बढ़ाने के लिए। तो विपणनकर्ता उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझकर उसकी लाभकारी अवस्था की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए अलग से आवश्यकता अनुसार कदम भी उठा सकता है। साथ ही साथ इट फैसिलिटेट्स डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्ट्स। उत्पाद निवेश निर्णय में सहायक होता है ये, कि ज्ञान के आधार पर इसका जो ज्ञान है, उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा का ज्ञान है, उसके आधार पर उत्पादों की सफलता के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी आधार पर मार्केटिंग मैनेजर किसी उत्पाद के निर्माण तथा बाजार में प्रस्तुत करने हेतु निवेश की योजना बना सकता है कि कितना उसको इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट में करना है और इस प्रकार सही प्रोडक्ट पर सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाया जा सकता है। उत्पाद जीवन चक्र में यदि प्रोडक्ट की डिक्लाइनिंग स्टेज चल रही है तो उस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना उत्पादक के लिए हानिकारक हो सकता है।
और इसकी इम्पोर्टेंस को हम लेते हैं कि इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मींस मार्केट से बाहर होने का निर्णय करने के लिए भी उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था को समझना ही पड़ता है। यदि उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था का विपणनकर्ता को ज्ञान हो जाए तो उसे यह भी डिसीजन लेने में ईजी रहता है कि वह किस उत्पाद को बाज़ार से हटा देगा और उसके कंपैरिजन में दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में वो कौन सा लॉन्च करेगा। क्या वो उसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करेगा या उसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके फैशन में चेंज करके उसके क्वांटिटी में, उसके एट्रीब्यूट्स में, उसके स्टाइल में चेंज करके क्या उसी प्रोडक्ट को मार्केट में नए तरीके से प्रेजेंट करेगा। यह भी निर्णय प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस को देख करके किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरह की इम्प्लीमेंट की जा रही है, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कौन से हैं, साथ ही साथ कंपनी की स्वयं की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की कौन सी स्टेज चल रही है, उसको देखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस बता सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।